दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को पाकिस्तान की टीम का जानी दुश्मन मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के महासंग्राम पर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने करी सनसनी मचा देने वाली भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, एशिया कप के शुरू होने के साथ ही भारत पाकिस्तान महासंग्राम की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। इस दौरान भारतीय महिला खिलाड़ियों ने सबसे बड़े मुकाबले के लिए लेकर भविष्यवाणी की है और भविष्यवाणी करते हुए भारत को मजबूत टीम बनाते हुए पाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान के मैच पर महिला खिलाड़ियों ने भविष्यवाणी क्या कर रखा, ये तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में से कौन है बेहतरीन गेंदबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एशिया कप टूर्नामेंट प्रारंभ हो चुका है। दरअसल एशिया कप का ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान के मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला गया, जिसके साथ एशिया कप का शानदार आगाज हो गया। तो वहीं 17 सितंबर को फाइनल मुकाबला श्रीलंका में खेला जाने वाला है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान की टीम को अपना दूसरा मुकाबला भारत के खिलाफ खेलना है, जो 2 सितंबर को श्रीलंका की धरती पर कैंडी शहर में स्थित पलिक्कल क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए बयान का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भारत पाकिस्तान के महासंग्राम को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम को जीत मिलने वाली है। पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड शुरू से लेकर अंत तक भारत के खिलाफ खराब रहा है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर लेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की टीम को सबसे बेहतर मानेंगे, बल्कि फिर से पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ हार का सामना करेगी। तो वहीं स्मृति मंधाना ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार सिर्फ भारत और पाकिस्तान के समर्थकों को नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को रहता है। सभी को मालूम है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा। ऐसे में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की बेसब्रियां बढ़ गई हैं। मेरे अनुसार तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिलने वाली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, साथ में एशिया कप के अंदर अपनी हार का पहला स्टेज भी प्राप्त करना होगा। तो वहीं शेफाली वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे यादगार मैच रहने वाला है। इस बार दोनों टीम वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे के सामने होंगी और वनडे फॉर्मेट के बीच वनडे में काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस बार दोनों के बीच शानदार मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिलेगी और पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कभी भी जीत हासिल करने वाली टीम नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के मैच में इस बार किस टीम को जीत मिलने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।